हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आने वाला अगस्त का माह आपके लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपके लिए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, धन कितना होगा, पराक्रम कहाँ होगा, संतान संबंधी प्रेम संबंधी क्या स्थिति बनेगी, ऋण रोग शत्रु कैसे आपके साथ पेश आएंगे, दाम्पत्य जीवन का क्या हाल रहेगा, आयु संबंधित कोई विघ्न तो नहीं होगा, साथ में भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, कर्म पथ पे क्या मिठ छाप आपकी पड़ रही है, पैसे कहाँ से कमा रहे हैं और खर्च कहाँ कर रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आप बात करें अपने लग्न की, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका अपना ओरा है, वो मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी से बना हुआ है। तो केतु शुक्र सूर्य मतलब शक्ति भी है, तेज भी है और सुंदरता भी है, तीनों को लेकर चलने वाले हैं। और ऐसे में पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य आपका देखिए 16 जुलाई से 17 अगस्त तक चंद्र महाराज आपके कर्क में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य के संबंधित आपको कष्ट मिलेगा। 17 अगस्त तक आपको कष्ट मिलेगा, मतलब अपने आप लापरवाह हो रहे हैं, बेवजह ईगो टकराएंगे, बेवजह अपना आत्मसम्मान हर जगह, नाक हर जगह घुसेड़ेंगे तो परेशानी होगी। नाक देखिए हर जगह घुसेड़ने की नहीं है, अगर नाक हर जगह डालोगे तो नाक कट ही जाएगी। ठीक, जहाँ पे सिस्टम है, जहाँ तरीका है, वहाँ तरीके से नाक डालिए। तो हर जगह हर चीज़ को इशू बनाओगे तो परेशान रहोगे। तो आपके 17 अगस्त तक कर्क में है, अतः आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है और बीमार हो जाओगे। उसके पश्चात सेहत आपकी अच्छी जाती हुई, मान सम्मान अच्छा मिलेगा आपको। इस समय आप ऐसा कार्य करेंगे जिसकी वजह से आपको मान सम्मान में हानि होगी, मान सम्मान में आपको कमी आएगी। आपके कुंडली में धन की स्थिति को देखें तो बुध महाराज आपके कुंडली में दो दो धन भावों के स्वामी हैं, और 1 अगस्त तक वो कर्क में है, 1 अगस्त के बाद फिर 21 अगस्त तक सिंह में मतलब लग्न में जाएंगे। तो सेहत तो आपकी थोड़ी सी कमजोर हो रही है, लेकिन धन संबंधी चीजें आपको लाभ हो रहा है। कामनाओं की पूर्ति का जो स्वामी है बुध, धन का स्वामी बुध आपके लग्न में कर रहा है गोचर, तो आपके लिए निश्चित रूप से शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छा है, किंतु यहाँ पे जो बुध महाराज हैं उनके जो द्वितीय राशि है, पैसा तो देती है लेकिन परेशानी भी देती है, रोग भी देती है। और जो एकादश भाव का बुध है वो थोड़ा सा कच्चा है, अनुभव में बच्चा है, तो बहुत जल्दबाजी के चक्कर में अपने सेहत को खराब कर सकते हैं। ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, पैसे के लिए परेशान रहेंगे, सेहत खराब हो सकती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सेहत का विशेष ध्यान रखें। सूर्य की उपासना करें, लाल रंग के कपड़े पहने, क्रोध करने से बचें। क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जितना क्रोध करोगे उतनी चीजें बिगड़ती जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता जाएगा। और सिंह लग्न सिंह राशि वालों को जो लास्ट होता है, लास्ट मोमेंट ना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपका मार्केश शनि है और आप अपने जीवन साथी के प्रति किए हुए व्यवहारों का जो आपको दंड है वो शनि देता है। ध्यान रखिएगा, शनि बाद में एकदम घसीट देता है, तड़पा देता है। तो अभी क्योंकि शनि महाराज आपके चल रहे हैं सप्तम भाव, सप्तम से द्वादश चल रहे हैं, तो बहुत केयर करिएगा। बात करेंगे आपके भूमि भवन वाहन की, तो आपके कुंडली में मंगल महाराज जो हैं वो 10 अगस्त तक मेष राशि में है। 10 अगस्त तक घर के लिए आप प्रयासरत हैं, सुख के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सुख में राहु जो है बैठा हुआ है, विघ्न पैदा कर रहा है। इसके बाद ये आपके कर्म भाव पे जाएंगे, कर्म भाव पे जाते ही सप्तम दृष्टि सुख के घर पे रखेंगे, तो यहाँ 10 अगस्त से लेके आगे का समय आपके लिए सुख के लिए बेहतर है। किसके लिए? सुख के लिए तो बेहतर समय दिखाई दे रहा है, तो आप सुखी रहेंगे, सुख आपको निश्चित रूप से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सुख मिलेगा। 10 अगस्त तक थोड़ी सी परेशानी रहेगी। पंचम भाव की बात करें तो गुरु महाराज आपके वक्री हो चुके हैं। वक्री गुरु आपको पुराने प्रेम, पुराने प्रेमिका, पुराने प्रेमी से आपको मिला रहे हैं, संतान संबंधी आपको लाभ दे रहे हैं। तो यदि आप संतान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, पुनः नई संतान की प्राप्ति चाहते हैं, या संतान के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय वक्री गुरु आपको संतान के लिए आगे बढ़ा सकता है। एजुकेशन आपकी छूट गई थी, कहीं नई जगह आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ गुरु आपको नई जगह एडमिशन भी प्रदान कर रहा है। तो गुरु का वक्री होना आपके कुंडली में कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को लौटाने वाला है, पुरानी चीजें वापस आएंगी। तो पुरानी चीजें सारी अच्छी हैं, इस चीज को आप गौर कर लीजिए, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें जीवन में उथल पुथल मचा सकती हैं।
कुछ पुराने राज आपके खुल सकते हैं, जो वर्षों वर्ष दबा रखे हैं वो पुराने राज आपके खुल भी सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव के अधिपति शनि महाराज हो चुके हैं वक्री, तो जीवन साथी से बेवजह तनाव करना हो गया है आपकी आदत। सप्तमेश अपने से चला गया द्वादश में और लग्नेश इस समय द्वादश में है, दोनों द्वादश में, तो दोनों एक पूरब एक पश्चिम, एक उत्तर एक दक्षिण, ठीक है ना। इस तरह की स्थितियां आपकी कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ध्यान रखिए व्यवसाय का तनाव पैदा करना दोनों के लिए हानिकारक है। ठीक, आपका जीवन साथी कुंभ लगन वाला, कुंभ राशि वाला, उसको बहुत तनाव नहीं है, ठीक है ना। वो आपका चढ़ा फेंकोगे उठा के साइड में रख देगा, वो घड़े में आप पानी डालोगे वो शांत रहेगा, घड़ा जैसा है, तो उसका ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर ही पड़ रहा है। मंगल महाराज भाग्य के स्वामी है और भाग्य का स्वामी कर्म भाव में गोचर करेगा, तो भाग्य का स्वामी जब कर्म में गोचर करेगा तो एक तरह का पाराश्री राजयोग बोलते हैं, मतलब कर्म पथ पे आपको विस्तार, नौकरी के क्षेत्र में विस्तार, सरकार के क्षेत्र में विस्तार, सरकार से लाभ। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, मतलब। और इसमें भी देखें तो 17 अगस्त के बाद जो समय है वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी है, तो प्लीज स्टार्ट करिए। अगर आपका इस बीच में कोई इंटरव्यू है, कोई मेंस की परीक्षा है, तो मेंस की परीक्षा आप क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो तो सफल हो रहे हो, कोई रिजल्ट आने वाला है 17 तारीख के बाद, तो आपको सफलता मिल रही है, आप सफल हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में 7 अगस्त तक मिथुन में है, 7 अगस्त से 31 अगस्त तक कर्क में है, तो 7 अगस्त तक तो अच्छा दिखाई दे रहा है। जब कर्क में ये जा रहे हैं ना, तो कर्म का व्यय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्म का व्यय। देखिए मंगल और शुक्र की स्थिति क्या है, एक तो बढ़ा रहा है, एक दूसरे को निकाल रहा है, मतलब नल के नीचे बाकेट रख दीजिए और बाकेट में छेद कर दीजिए, तो आप नल चलाते रहिए या नल खोल दीजिए, पानी गिरता रहेगा और बाकेट से निकलता रहेगा। शुक्र को मजबूत करिए, शुक्र को मजबूत करिए, नहीं शुक्र जाके अश्लेषा में फंस जाएगा, तो मतलब नौकरी के मार्ग तो बनेंगे आपके लिए, लगेगा नौकरी मिली नौकरी मिली, और लास्ट में नौकरी फंस जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, कोई और उठा ले जाएगा, तो बहुत केयर करके रखिए। शुक्र को मजबूत करिए, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए और गुरु की गुरुता धारण करिए, साथ में पिता से संबंध अच्छे रखिए, पिता तुल्य लोगों से संबंध अच्छे रखिए, आपको नौकरी के क्षेत्र में विकास होना सुनिश्चित है। बात करें खर्च की, तो खर्च की स्थिति अभी इस समय आपकी बनी रहेगी, थोड़े सहनशाही दिखाओगे, थोड़े से बड़प्पन दिखाओगे, आपको 2 आइटम लेना है 10 आइटम ले लोगे, तो खुद स्वतः के पॉकेट पे आप बोझ बनोगे और घर वालों के पॉकेट को भी खर्चा करोगे, तो खर्च की स्थिति तो आपकी कुंडली में बनती हुई, बेवजह का बड़प्पनपन वो आपको खर्च के लिए परेशान कर रहा है, आपका पॉकेट खाली कर देगा। तो सूर्य को मजबूत करके रखें, किसको करें, सूर्य को मजबूत करें, क्योंकि लग्नेश कमजोर हो रहे हैं, तो मान सम्मान भी जाएगा गड्ढे में, मान सम्मान भी गड्ढे में चला जाएगा, और जिनका आप अपमान कर रहे हैं शनि उनको सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा है, ब्याज सहित देगा, शनि लंबे रोक देता है, घसीट देगा, तो इसलिए ध्यान रखिए। चलिए आपके लिए शुभकामना, परमात्मा आपका भला करें। राधे राधे।